खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, स्मोकिंग किल्स। धूम्रपान से कर्क रोग होता है। धूम्रपान जानलेवा है। लिकर ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। मधुपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80-90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है। मैंने 3 साल भूखा चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, मेरा ऑपरेशन हो रहा है। शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकता। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा है। इसकी परवरिश कुछ इस तरह करना। एक बड़ा आदमी बन सके। अब मैं नहीं बचूंगा। नहीं भैया, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आपका इलाज कराऊंगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा भैया। नहीं भैया, भैया 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 राम राम छोटे टावर, राम 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 छोटे टावर, राम 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 राम। एक्सक्यूज मी, आपको जय सिंह ठाकुर का घर पता है? आपसे मतलब जितना पूछा गया उतना जवाब दीजिए। आपको जय सिंह ठाकुर का घर पता है? वो नीली हवेली देख रहे ना? चलिए, आप तो ऐसे बन रहे जैसे खुद ही जय सिंह ठाकुर हो। जय सिंह ठाकुर जी, वो मेरा जय सिंह ठाकुर जी से रिश्ता पक्का हुआ है, तो मैंने सोचा मैं खुद ही चल के देख लूं। देख लीजिए कैसा लगा जय सिंह ठाकुर। कह दो के तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं मुझे है मरना। कह दो कि तुम हो मेरी वरना,
जीना नहीं मुझे है मरना। देखो कभी ना ऐसा कहना, देखो कभी ना ऐसा करना। यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। कह दो कि तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं मुझे है मरना। देखो कभी ना ऐसा कहना, देखो कभी ना ऐसा करना। यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। कह दो कि तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं मुझे मरना। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि मैं गांव का और तुम शहर की, क्या मेरे साथ तुम खुश होगे? तुमने जिंदगी में कभी किसी से प्यार किया? कभी नहीं। पहली बार। किससे? तुम आज मुझसे ये एक वादा कर लो, फिर ना कोई तुम शरारत करोगे। जितनी मोहब्बत मैं करती हूँ तुमसे, सितम है। सुनो तुम्हें मेरी कसम है। कह दो कि तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं मुझे है मरना। मुझको है गम, ये सोच के माफ कर देना मुझको, मेरी ये पहली मोहब्बत है जानम, मोहब्बत है जानम। यही आदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। कह दो कि तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं मुझे है मरना। तो प्यार में ना सब माफ होता है, गांव शहर नहीं देखा है तो दिल देखा जाता। तुम मुझे खुश रखोगे तो मैं क्यों नहीं रहूंगी? तो मेरी जीवन संगिनी बनोगी? तो वो तुम्हें बनूंगी। तुम्हारा मर जाओ भी तो जुदा हम ना होंगे, हम ना होंगे, बेवफा हम ना होंगे। यही
की तुम है। सुनो तुम्हें मेरी कसम है, यही अदा तो इसी तुम है। सुनो तुम्हें मेरी कसम है। शादी करके तुम खुश नहीं हो? अपनी सुहागरात के दिन तुम इतने दुखी बैठे हो? ऐसी बात नहीं है हर्षिता। फिर हम कोई अपनी संतान नहीं करेंगे, हम योगेश को ही अपना बेटा मानेंगे, उसे ही संतान देंगे। तुम्हारी खुशी में मैं खुश हूँ। तुम यही चाहते हो तुम्हें किसी बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। तो ये देख नहीं रहा मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कल हम आजाद होंगे। कल हम आजाद नहीं होंगे, कल के दिन हम आजाद हुए थे, कल जश्न मनाएंगे आजादी का। तो तू नाचेगा भी? हाँ नाचेगा। जल्दी आओ। जल्दी नहीं आना है तो सुबह सुबह आना है। चल उठूंगा और देख उसमें गाना भी होगा। सारे जहां से अच्छा दोस्त हमारा। सत्यम सत्यम जय भीम। मेरा रास्ता मत रोक। ये ऑर्डर क्या? 50-50 मिलो दूध। जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा बेटा वरना बीमा आ जाएगा। अरे जाने दे मुझे ना योगेश को। Thank you.
सुबह सुबह आने की बोला था ना। सुबह सुबह मैं इसी डर से रात भर सोया नहीं, और जब पर सुबह जाकर सो गया, इसके बाद मैं बिना नहाए धोए हाथ मुंह आ ही रहा था कि रास्ते में साले भीमा ने मेरा रास्ता रोक लिया। वैसे अब तुम मेरा डांस नहीं देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाऊंगा? क्योंकि मैं पसंद जा रहा हूँ। बस जा रहा है मुझे लेके चले। मुझे पहले चाचा से पूछा, वो मुझे कस्बे भेजते हैं। मेरे गुजर में पूछेगा कि लेडी भी जाएगा। लेडी भी जाएगा चल मुझे कस्बे जाना। क्या? मुझे अपना सपना पूरा करना है और मुझे डांसर बनना है। हमने तुम्हारे पिताजी को वचन दिया था कि तुम्हें डॉक्टर या वकील बनाना है, और ये डांस क्या रखा है इस डांस? हर किसी नहीं जाने दूंगा। मुझे अपना सपना पूरा करना है चाचा। ठीक है, तुम अपना सपना पूरा करो। योगेश को कैसे शहर जाने दो? मैंने भाई साहब से वादा किया था कि योगेश को डॉक्टर या वकील बनाऊंगा, मगर डांसर कैसे बन सकता? तो मेरा ये मानना है कि तुम उसको जाने दो। अगर वो डांसर बनना चाहता है तो उसको बनने दो। इसी में हम भी खुश और सैड, हमारा बेटा भी और जरूरत। मेरा एक सपना है डांसर बनना। और तो कितने तक चला जाएगा? उसकी एक वजह अभी तुझे बताऊंगा। रात को मैंने और तुम्हारी चाची ने सोचा कि तुम शहर जाओ। सच में? थैंक यू चाचा, थैंक यू चाचा। शेफाली, तुम बोलती थी ना कि मेरा बॉयफ्रेंड एक डांसर होना चाहिए। मैं एक दिन बहुत बड़ा डांसर हूँ, बहुत बड़ा। चाचा लहरी। क्या बात है लहरी, आज ये रंगीन कपड़े कैसे पहने हैं? मुझे योगेश के साथ कस्बा जाना है चाचा। जाओ ना, मैंने तो योगेश को बोल भी दिया है कि लहरी को साथ ले जाओ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, जाओ जाओ। गांबा बचाओ बचाओ, लहरी लड़ा का जाम है। सबको बेवकूफ बनाता रहता है ये। ओ तेरी, गांव वालों से बोल रहा था कि मैं फांसी लगाने जा रहा हूँ, और यहाँ बैठ के बीड़ी पी रहा। तेरी तो बचो, आज तू नहीं बचे। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। लहरी,
भैया ये बिहू पेपर प्रोडक्ट्स आपका ही है? ये आपको मेरे भैया ने भेजा था। यार आजकल धंधा नहीं चल रहा यार। ताकरो भतीजा निकल गया। जाने तू डांसर क्यों बनना चाहता है? तू सैपाली को जानता है? ऐसी क्या बात है, तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहते? देखो योगेश, मैं एक ऐसे लड़के की शादी करूंगी जो एक अच्छा और सच्चा डांसर, जो कि तुम नहीं हो। सॉरी, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें अच्छा डांसर बन के दिखाऊंगा। नॉट पॉसिबल। देखो मैं एक दिन बहुत अच्छा डांसर हूँ। आसमान को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिले। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया। सर कल हमारे यहाँ पर डांस का कॉम्पिटिशन है, आप आना चाहेंगे? अच्छा ठीक है। अभी
सामने डांस प्रस्तुत करने जा रहे हैं ऑसम ग्रुप। और अगली डांस परफॉर्मेंस है ध्रुव। और अब आपके सामने मंच पर नेक्स्ट डांस परफॉर्मेंस करने आ रहे हैं आंसू। हो चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना सीने से लग जा तू बल खा के मेरी जाना अब आपके सामने डांस परफॉर्मेंस करने आ रहे हैं मिस्टर योगेश। मंच पे आए।
अरे चाची आप कैसे आ रहे हो? सोचा कस्बा रहना है और देखो तो सही कहाँ रहते हो। और चाचा? चाचा नहीं आए, तुम्हारे मार्केट गए काम से। अच्छा लगता है यहाँ? हाँ महलों में रहने वाला राजकुमार झोपड़े में रह लेता है। देखो मैं अपने सपने में भी कहीं नहीं रह सकता। मैं अच्छे से नाम से को डांस करूँ और फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम करूँ। मैं तुम्हारे चाचा को मनाऊंगी, मैं तुम्हें साथ लूंगी। थैंक यू चाची। खुश रहो। तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है? जब इतनी अच्छी चाची है तो लड़की की क्या जरूरत है। हाँ पंकज बोलो। ठाकुर साहब वो रॉकी और लल्लन घाटी से नशे की दवा गांव में पहुंचा रहे हैं। अच्छा। और ठाकुर साहब वो हमको धमकी भी दे रहे थे। अच्छा तो ये बात है। हाँ हाँ ठीक है आप चलो, मैं कुछ करवाता हूँ। उनके यहाँ पर दो चार लोग पहुँचाओ। हाँ। और उन्हें सबक सिखाओ। हाँ। यार उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आज रात से प्रैक्टिस चालू करूँगा।
मुझे डर इस बात का है बस कि कहीं ना ये रात निकल जाए, मेरी इतनी भी पास दुआ मत कहीं मेरे हाथों से न बात निकल जाए। बोलूंगा सच में जो दे तू इजाजत, सबर भी अब करने लगा बकावत, सुल्फे हैं जालिम और आंखें हैं आफत, लगता है होने वाली है कयामत। मत तड़पा ऐसे तू, न करना इंसाफी, जो गलती करने वाला हूँ मैं उसके लिए पहले से ही मांगता हूँ माफी। जैसा ये बदन जन्म मिला तुमको, मन ने सोचा था जैसा रूप तेरा आया नजर हमको। सितम खुली खुली सनम गोरी गोरी बाहें करती रही हो, अभी तुमने जो गले लगाया तो खो ही गए हम। अभी आते हैं चाचा। कितना कमजोर हो गया है, कुछ खाता नहीं है क्या? नहीं ऐसी बात नहीं चाचा, खाता भी था मगर आपको लग रहा है कि मैं कमजोर हूँ। ठीक है, और कैसे आना हुआ बता? कुछ नहीं चाचा, मुझे दो दिन के लिए बाहर जाना है, ऑडिशन हो रहे हैं। ठीक है चला जा, और लहरी को भी साथ में ले जा। चाची बुला रही है। आपको मुझे लगता है कैंसर हो गया।
हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80-90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है, मैंने सिर्फ 1 साल घूम कर चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, अब मेरा ऑपरेशन वाला है, शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा है। मुझे कैंसर राहुल साहब। हेलो, गांव के कुछ लोग आपको प्रधान बनाना चाहते हैं। प्रधान? अच्छा ठीक है, तुम जाके खबर दो, मैं कुछ सोचता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? कैसे आना है? वो कोई तुमसे मिलने आए हैं, बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें बैठने के लिए बोलो, मैं आ रहा हूँ। ठाकुर साहब, हमारे स्कूल में 21 तारीख को एक फंक्शन है जिसमें आपको आना है। क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। कुछ टीचर आए थे, कह रहे थे कि तुम्हें स्कूल में डांस करना है। सॉरी चाचा, मैं डांस नहीं करूंगा। ठाकुर साहब, मैंने आपका नमक खाया, मेरी पत्नी बीमार है, उसके खून की जरूरत है। ले जाओ, हमारा खून ले जाओ। ठाकुर साहब,
नहीं, योगेश और मेरी पत्नी का ग्रुप ब्लड ग्रुप एक ही मैच करता था उसे। ठीक है तुम चलो, मैं योगेश को डॉक्टर की बात किया था, मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कैंसर का इलाज हो सकता है लेकिन उसके लिए शहर जाना पड़ेगा, बहुत पैसा लग गया। योगेश भैया आपको ठाकुर चाचा बुला रहे हैं। चाचा आपने मुझे बुलाया? हाँ योगेश, आज तुम्हें हमारी एक बात रखनी होगी। कैसी बात चाचा? तुम्हें हमारे साथ चलकर आज किसी की जिंदगी बचानी होगी। मैं क्या किसी की जिंदगी बचाऊंगा? खून बेटा, खून खून मैं नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? तुम एक ठाकुर हो और तुम्हारे लिए तो एक गर्व की बात है। गर्व की बात हो या ना हो, मैं खून नहीं दे सकता। हम कुछ दिनों से देख रहे थे कि तुम हमारी हर बात मानने से इनकार कर देते हो। लगता है हमें क्योंकि तुम बदल गए। बदला मैं नहीं हूं चाचा, हालात बदल गए। योगेश तुम अपनी हद पार कर रहे हो। आज मैं बताऊंगा तुम्हें कि ठाकुर जैसी क्या चीज है। तुम्हें अपने बाप की कसम है, तुम्हें बताना होगा कि खून क्यों नहीं देना चाहते। मुझे कैंसर है, मैं ये बात आपको बताना नहीं चाहता। ये मैंने क्या कर? मुझे इतने दिनों से छुपाई थी, क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों छुपाया मुझे? मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुझे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को इलाज कराऊंगा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ लाल, मैं तुझे कुछ नहीं। नहीं नहीं आप बैठिए, मैं चला जाऊंगा। डॉक्टर साहब आपकी फीस वो आप मेरी क्लिनिक पर भिजवा दीजिए। ये ले गुटका, कितना गुटका खाएगा? खा, ये ले पैसे। बोल बोल, तुझे किसने सिखाया गुटका खाना? लहरी ने? हाँ लहरी के साथ तो नहीं सिखा तू गुटका खाना।
बोलता क्यों नहीं है? बोल! बोल! गुटका सिखाने वाला गलत नहीं है, गुटका खाने वाला गलत है। गलती मेरी है जो मैंने गुटका खाया। मुझे नहीं खाना चाहिए था, मुझे नहीं मालूम थी कि एक गुटका के कारण मुझे मौत मौत मिलेगी। क्या इसी के लिए तुझे कस्बा भेजा था? इसीलिए तू कस्बा आया था? बोल, इसीलिए पैसे मांगता था तू मुझसे? कितना गुटका खाया, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? मुझे इस मोड़ पे लाके छोड़ा। चाचा मुझे मरना नहीं, चाचा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो चाचा, मुझे मरना नहीं। नहीं योगेश, मैं तुझे कुछ नहीं आने दूंगा, मैं तो इलाज कराऊंगा। नहीं मरना नहीं, नहीं मरना नहीं, मैं तेरा इलाज कराऊंगा बेटा। नहीं बेटा शांत कर, अच्छे डॉक्टर पर ले जाऊंगा तुझे, मगर तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। पैसों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, कागजात सब गिरवी रख दो, पैसों की व्यवस्था करो। ठीक है काम कर। क्या बात है, ऐसे उदास के बैठे हो, क्या हुआ? हमने सोचा है कि अपनी सारी खेती बाड़ी बेचकर योगेश का शहर जाकर बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज कराएंगे। योगेश के सिवा हमारा इस दुनिया में है और क्या करेंगे इस सब खेतीबाड़ी का? क्या हमने ये फैसला सही लिया? जो तुमने सोचा है एकदम सही सोचा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और वैसे भी योगेश के सिवा हमारा है कौन? और तुम्हें पता है कि पूरे तन मन से योगेश को ही मैंने अपना बेटा माना है। अगर उसके लिए हम कुछ नहीं करें तो अपनी जगह सही हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब ये बात मैंने चाचा को बताई तो वो तो एकदम टूट से गए। नहीं गुरु, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? गुरु तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? अब तो ये बीमारी मेरी मौत के साथ खत्म होगी लहरी, मेरी मौत के साथ। मैं सर जाऊंगा बड़े से बड़े डॉक्टर को लेके आऊंगा, लेकिन तुझे कुछ नहीं होने देगा गुरु। लहरी हम ठाकुर तो है मगर हमारी हैसियत इतनी नहीं कि हम इस बीमारी के सामने जीत सके। इतनी हैसियत नहीं है मेरी, हमारी इतनी हैसियत नहीं है। तुझे कुछ नहीं होगा योगेश। योगेश हमने फैसला किया है कि हम शहर जाएंगे और बड़े से बड़े डॉक्टर से तुम्हारा इलाज कराएंगे। चाचा हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अरे बेटा ये है ना जमीन जायदाद, ये सब लौटा दूंगा मैं तुझे। नहीं चाचा तुम्हें मेरी कसम है आप ऐसा नहीं करोगे चाचा, आप ऐसा नहीं करोगे। नहीं बेटा ये सब तेरा ही है, मैं क्या करूँ मैं तेरे बगैर इस जमीन जायदाद? किस काम की मेरे लिए ये सब? मेरे लिए तो तू ही सब कुछ है।
वो आनंद भी तो है, वो भी तो आपके भतीजे जैसा है। वो अनाथ हुआ तो क्या हुआ? तो क्या मैं तुझे ऐसे ही तड़प तड़प के मरते हुए देखूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर दूं। तेरा इलाज कराऊंगा मैं। मैं अपनी औलाद को अपने सामने मरते हुए कैसे देख सकता? मैं तुझे कुछ नहीं। और सुबह कैसे प्रैक्टिस चल रही है? सर ये सब मुझे परेशान कर रहा है। क्यों परेशान कर रहा है उसे? सर ये झूठ बोल रहा है। वो झूठ नहीं बोल रहा, समझ रहा है। क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। जब तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए, वो नहीं देख पा रहा, तुम्हें हेल्प करनी चाहिए। सर क्या मैं चला जाऊंगा उसके बाद? तुम ऐसे ही करो सर। इस चीज और इस बात का ध्यान रखना कि गुरु हर वक्त तुम्हारे साथ ही है। सॉरी सर। याद रखना इस चीज। चलो सॉरी बोलो। सॉरी सॉरी शिवा। ठाकुर सर जमीन बिक नहीं रही, उसका कोई खरीदार नहीं रहा। ठीक है तुम चलो, देखते हैं कुछ करते हैं। ठीक है ठाकुर सर। देखो योगेश, मैं एक ऐसे लड़के की शादी करूंगी जो एक अच्छा और सच्चा डांसर है, जो कि तुम नहीं हो। मैं एक दिन बहुत बड़ा डांसर बनूंगा, बहुत बड़ा। वो चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक डांसर है। मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे मेरे जीते जी बाद मरने के, मेरे हर एक कल हर एक लम्हे में तू लिख दे मेरा उसे, हर कहानी में सारे किस्सों में दिल की दुनिया के सच्चे रिश्तों में जिंदगानी के सारे हिस्सों में तू लिख दे। क्या होगा मेरे चाचा का, क्या होगा तेरा? अगर मैं शहीद की मौत मरता तो मुझे अपने आप का घर होता, नहीं अपने आप का घर होता। पर आज कुत्ते की मौत मरना, कुत्ते की मौत। टूट रहा है, मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या होगा और मेरे मरने के बाद क्या होगा। तुझे एक कसम देती हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी आंखें शिवा को दिलवा दे, क्योंकि इस दुनिया में मैं जीना चाहता हूँ लहरी, मैं जीना चाहता हूँ, मैं मरने के बाद भी जीना चाहता हूँ लहरी।
खुशी को हंसी को तू चाहे। योगेश आपको मुझे लगता है कैंसर हो गया। ये गुटका के कारण मेरी जिंदगी कहां से ये क्या हो गया? ये गुटका की तरह के करीब आ गया। मैं मर जाऊं, मेरे साथ मेरी सबली भी मर जाए, मेरी सबली भी मर जाए। अब मैं तुझे कुछ नहीं, ये कुछ कर सर, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं अपने को छोड़ के चला जाऊंगा, जिसके लिए मैं जिंदगी से लड़ता चला आया, उसको भी छोड़ के चला जाऊंगा। कुछ नहीं बचेगा, कुछ मेरे सपने मेरे साथ मर जाएंगे। मरना नहीं चाहिए, मुझे बचाना, मेरे बच्चा मेरे चाचा मुझे मरना नहीं, मेरे अपने यहाँ रह जाए और मैं कहीं दूर चला जाऊँ, कहीं दूर एक एक गुटका के तुम्हारे साथ मैं तो मर रहा हूँ। परेशान कर रहे थे, मैंने सोचा ये बंदा मासूम है, समझदार नहीं है, मगर सच्चा है, इसीलिए मैंने तुझसे दोस्ती की। और जब तू मेरे डांस देखने लिया है, मैंने काफी इंतजार किया कि लहरी आ रहा हो और तू हमेशा लेट हो जाती। जल्दी आओ।
यार आ गए तुम? देख ललन मुझे जाने दो। क्यों मारेगा मुझे? मैंने बोला देख मुझे जाने। मारे क्यों जाने दूं? मैंने बोल रहा हूं मारेगा मुझे। नहीं मैंने बोला ना जाने दे। क्यों? और अभी डॉक्टर इसको क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा है? क्या बात है? मारेगा मुझे क्या बोलेगा? अरे पगले ये तूने क्या कर दी? मैं तो मरने वाला था, तूने ये क्या किया? आपका योगेश आपसे कहीं दूर ना चला जाए। ऐसा ना कहो योगेश, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मुझे लेरी का बदला लेना है। मेरी आंखों के सामने उसे मार दिया चाचा, आंखों के सामने मार दिया। हम लेंगे हम लेंगे मैं ललन रॉकी को नहीं छोड़ूंगा, मैं ललन रॉकी को नहीं छोड़ूंगा। लोग है ना, आनंद है, सोनू है, नहीं हम बदला लेंगे बेटा। मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं ठाकुर का खून हूँ, आखिरी कतरे तक लड़ूंगा मैं, आखिरी कतरे तक। हाँ तू ठाकुर है, तू ठाकुर है, अगर हम लेंगे उसका बदला। नहीं 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 योगेश आनंद मुंह क्या देख रहा है? डॉक्टर को बुलाओ। कुछ नहीं है, तुझे तो पता ही है योगेश भैया को गले का कैंसर होने के कारण समझा जा कितने परेशान है।
योगेश भैया ललन को मारने गए हैं। पूरे गांव को खबर कर दो, सोनू को, सुधीर को, सबको बता दो, सबको लेके आ जाओ, जल्दी जल्दी। अपनी बीवी के बल्लू में जाके तुम क्या क्या रॉकी वो ठाकुर के भतीजे का वो दोस्त था ना लहरी, उन्होंने उसको गोली छोड़ाया। वो ठाकुर का भतीजा ना साले को उसको कैंसर है, उसको भी उड़ा देते हैं साले को, उड़ा देते हैं। ये इच्छा चल उड़ाते चलो। देख ललन भाई, वो ठाकुर का भतीजा भी आ गया। ये ठाकुर का भतीजा साला कहां से टपकाया? ए ललन, ए ललन, मार मुझे मार। अरे लल्लन, हाँ मुझे मार दो, मार मुझे। क्या भोक रहा है वे? वैसे ही मर जाएगा भोक भोक के। अरे तो ऐसे काय पड़पड़ा रहा है, जब लपानी के मछली पड़पड़ा रही। अभी डाल दूंगा तो भेजे में। अरे डाल ले भेजे में डाल, हाँ देखते हैं। पहले तेरी क्या? ज्यादा जान आ गई था हाथ पैरों में। हिम्मत नहीं है तेरी में मारने की, हिम्मत नहीं है मारने की हिम्मत। नीचे आना, जान भूल गया तेरा दोस्त तुम्हारा, तड़पा तड़पा के जैसे ही तुझे मार देंगे। तू क्या मारेगा मुझे? तू नहीं मार सकता, तू नहीं मार सकता। अरे तुझे क्या मारू, तू तो वैसे ही मरा हुआ है, वैसे ही मर जाएगा दो चार दिन में। अरे तेर तो ऐसी बात कर रहा है जैसे मुंह से बुबली नहीं फूटे तो पिछवाड़े से अखरोट तोड़ेगा है। लल्लन से लड़ेगा तू, ठुक जाएगी, पता नहीं चलेगा तेरा किधर गया रे तू। दो चार दिन और जी ले। अगर मर्द का बच्चा तो नीचे आना। आ रहे हैं अभी, दो मिनट रुक, तेरा अभी बक्का फिर आ रहे हैं। अरे यार लल्लन, अरे यार ऐसे मुझे तेरे पे बहुत हंसी। ये पैर देख साला, अरे पैर देख, मुझे देख, मुझे देख, ये हाथ देख अगरबत्ती जैसे। तू ये नशीले पदार्थ बेचता है ना? मेरा तो काम है धंधा करना, मुझे पैसा कमाना, पैसा। क्या पैसा? तुझे नहीं पता लल्लन, क्या तेरे इस जहर से कितने लोग मर रहे हैं? मरते हैं, मरने दे, क्या मेरे घर वाले मर रहे हैं? मैं तो पहले ही कहता हूँ तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, जान बूझ के खा रहा है रे तू, मुझे क्या मतलब? मुझे तो पैसा चाहिए, पैसा। मेरा बनाया हुआ गुटखा खा के कैंसर, वो भी मेरी वजह से मर। मेरे हाथ से मर या गुटके से मर, उससे पहले मैं तुझे मार दे। मैं भी ठाकुर का ही खून हूँ, आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। तू तो ठाकुर था, तीन बार भाग के गया मेरी घाटी से। उसी दिन बजा देता उसका गेम। खड़ा हो।
ये ठाकुर खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगा, आखिरी कतरे तक। मर्द का बच्चा बोलता ना, ले मार मुझे, मार ना, मार मुझे, मार, अरे लल्ले, मार ना, मार, मार मुझे, अरे मार ना। ओ दस तेरी आज मैं कुत्ते की मौत नहीं मरा लेनी, आज मैं सार की मौत मरा, तेरा बदला लिया लेनी मैंने, तेरा बदला लिया। चाचा को बोलना मैंने नहीं लेरी का बदला ले लिया, मैंने लल्ले और रॉकी को मार दिया। नहीं दिल तोड़ के जाने वाले सुन, दिल तोड़ के जाने वाले सुन, मुझे तुझसे मोहब्बत आज भी है। दिल तोड़ के जाने वाले सुन, मुझे तुझसे मोहब्बत आज भी है। तुझे मेरी जरूरत नहीं तो क्या, तुझे मेरी जरूरत नहीं तो क्या, मुझे तेरी जरूरत आज भी है। दिल तोड़ के जाने वाले सुन, मुझे तुझसे मोहब्बत आज भी है। देख मेरा वक्त भी मुझसे आज टूट गया, क्योंकि तुम मेरे पास नहीं है। अगर तुम मेरे पास होती ना, मैं कुछ भी कर जाता, कुछ भी, दुनिया से कैसे भी लड़ जाता। जिस दिन से तू दूर हुआ है, टुकड़ों में जा टूट गई, टुकड़ों में जा टूट गई। देख पवी चाहने वाला रूठा साथी मुझसे, दुनिया मुझसे रूठ गई, दुनिया मुझसे रूठ गई। आ देख ले मेरी आँखों से, आ देख ले मेरी आँखों से, नींदों को शिकायत आज भी है। दिल तोड़ के जाने वाले सुन, मुझे तुझसे मोहब्बत आज भी है। सब प्यार करने वाले एक दूसरे से मिलते हैं, मैं तेरा चेहरा देखने के लिए भी तड़प रहा, तेरा चेहरा देखने के लिए। प्यार करने वाले कहते हैं कि हम अपने प्यार के लिए जान भी दे देंगे, मैंने भी वही किया। क्या ये सच्चा प्यार है या कुछ और? गुटका नहीं गाता हूँ तो मेरा दिल जलता है, और गुटका गाता हूँ तो गला जलता है। एक मेरा दिल मत जला, मुझे गुटका खिला दे लहरी, मुझे गुटका खिला दे। तो
रही है पगली, फिर मैं तुझे आज भी चाहता हूँ आज भी। वक्त भी जिससे रूठ गया है, मैं वो बेबस लम्हा हूँ, मैं वो बेबस लम्हा हूँ। हाथों की लकीरों से मेरी, हाथों की लकीरों से मेरी किस्मत को बगावत आज भी है। तो गुरु फिर डांसर बनने का सपना? सपना दिल तोड़ के डांसर या सैपाली की तरह बनने का? मुझे तुझसे जब सैपाली ठुकरा के चली गई तो किसके लिए? सॉरी योगेश भैया, लव यू। योगेश भैया, हम सब आपसे प्यार करते हैं। लव यू योगेश भैया, लव यू सो मच योगेश भैया। आज मैं जो भी हूँ वो योगेश भैया की वजह से हूँ। आज योगेश भैया की वजह से मेरा सपना पूरा हो रहा है। आज योगेश भैया की वजह से मुझे मेरा प्यार मिल गया।